जिसके अंदर सारी सुविधाएं इंक्लूडेड होती है। टूर को किस प्रकार डाला जा सकता है? टूर को यात्री के बजट एंड टेस्ट के हिसाब से डाला जाता है। टूर कितने प्रकार के होते हैं? टूर 5 प्रकार के होते हैं, कस्टम डिजाइन टूर एंड एस्कॉर्टेड टूर, फ्लाई ड्राइव टूर एंड होस्टेड टूर, इंडिपेंडेंट टूर। कस्टम डिजाइन टूर यात्री कब चुनता है? जब यात्री को यात्रा में सम्मिलित सभी चीज़ों पर अपना अधिकार रखना पड़ता है। यात्री की व्यक्तिगत जरूरतों का क्या क्या शामिल होता है? अकोमोडेशन, मील, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट। कस्टम डिजाइन टूर किस टूर की तुलना में अधिक महंगी होती है? प्री पैकेज टूर की तुलना। कस्टम डिजाइन टूर कब आयोजित किए जाते हैं? कस्टम डिजाइन टूर रिपीट करना, कस्टम डिजाइन टूर कब आयोजित किए जाते हैं? आवास के दौरान, हॉलीडेज के टाइम। इंडिपेंडेंट टूर में यात्री किस तरीके से यात्रा करता है? इंडिपेंडेंट टूर में इंडिपेंडेंट टूर में यात्री कब प्रस्थान या वापसी कर सकता है? वो किसी भी दिन आया जा सकता है। इंडिपेंडेंट टूर में क्या चीज़ें शामिल होती है? इंडिपेंडेंट टूर में कार रेंटल, एयरफेयर। इंडिपेंडेंट टूर की यात्रा किन यात्रियों के बीच अधिक प्रचलित है? जो रिजॉर्ट में जाकर आराम करना चाहते हैं। फ्लाई ड्राइव टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करता है? फ्लाई ड्राइव टूर में यात्री अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाता है। फ्लाई ड्राइव टूर में क्या क्या शामिल होता है? फ्लाई ड्राइव टूर में क्या क्या शामिल? कार रेंटल, एयरफेयर एंड लॉजिंग। फ्लाई ड्राइव टूर किन यात्रियों के बीच अधिक प्रचलित है? फ्लाई ड्राइव टूर जो कई स्थानों पर जाकर घूमना चाहते हैं। हॉस्टेड टूर में यात्री किस प्रकार की यात्रा करते हैं? हॉस्टेड टूर में यात्री डेस्टिनेशन पर होस्ट होता है उसके साथ। हॉस्टेड टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करते हैं? अलग अलग यात्रा करते हैं, अलग अलग तरीके से। हॉस्टेज टूर में कौन यात्रियों का एयरपोर्ट या होटल पर स्वागत करता है? होस्ट। हॉस्टेज टूर में मेजबान यात्रियों को किस प्रकार की जानकारी देता है? यात्रा में सम्मिलित जो भी आइटनरी होती है उनके उनको संचालित करने का। हॉस्टेज टूर में यात्री यात्रा के लिए किस प्रकार पहुँचते हैं? यात्री या तो अलग अलग पहुँचते या तो एक चार्टर प्लेन में एक साथ आते। हॉस्टेज टूर में यात्रियों की गतिविधि किस प्रकार होती है? सभी यात्रियों की गतिविधि अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। स्कॉटेड टूर यात्रियों किस प्रकार क्या प्रदान करता है? स्कॉटेड टूर यात्रियों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करता है। एस्कॉर्टेड टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करता है? एस्कॉर्टेड टूर में यात्री ग्रुप के साथ कई स्थानों की यात्रा करते हैं। अगर एस्कॉर्टेड टूर में पेशेवर स्पॉट बुकिंग टूर लीडर, टूर मैनेजर एंड टूर डायरेक्टर। एस्कॉर्टेड टूर में पेशेवर स्पॉट क्या करता है? वो जो उनकी यात्रा होती है उसमें सम्मिलित सभी चीज़ों पर उनके हिसाब से चलाता है। स्टेप ऑन गाइड किसी लोकल जो सिटी होती है या कोई भी एरिया होता है उसके वो होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है उस डेस्टिनेशन के बारे में। एस्कॉर्टेड टूर्स में किस प्रकार की व्यवस्था पहले से की जाती है? एस्कॉर्टेड टूर में मील्स, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग। एस्कॉर्टेड टूर्स में आप कहाँ रहते हैं? होटल में। एस्कॉर्टेड टूर्स में दर्शनीय स्थलों की यात्रा किस प्रकार की जाती है? एक मोटर कोच में बैठकर सभी स्थानों की यात्रा की जाती है। एस्कॉर्टेड टूर्स किस तरह यात्रियों के लिए उचित लोकप्रिय? एस्कॉर्टेड टूर जब यात्री उच्च स्तर की सुविधाएं पाना चाहते हैं और जो टूर प्लान है वो बनाना चाह उससे बचना चाहते हैं बनाने से, तब वो सिलेक्ट करते हैं।
एक प्रीपैकेज टूर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मील, साइट सींग, आइटनरी। सभी टूर में कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से शामिल होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। परिवहन को किन रूपों में शामिल किया जाता है? एयर एंड रोड, ट्रेन, शिप, रोड बाय रोड। सभी प्रीपैकेज टूर में आवाज हमेशा कब शामिल होते हैं? जब यात्री एक दिन से ज्यादा कहीं रुकता है तब। प्री पैकेज टूर में किस प्रकार का आवास उपलब्ध कराया जाता है? प्री पैकेज टूर में किस प्रकार का है? यदि कोई आवास होटल है तो उसे किस प्रकार होना चाहिए? कोई यात्री जो ग्रुप आएगा उसके लिए सुसज्जित होना चाहिए, उनको संभालने के लिए। प्री पैकेज टूर में करीब होने वाला होटल किन किन चीज़ों से सक्षम होना चाहिए? मील सर्व करे वो जितने भी ग्रुप्स के जो लोग आए और सबको समान कमरे कमरे। एक ट्रैवल प्रोफेशनल द्वारा होटल का चयन करते हुए किन बातों पर ध्यान देना? ट्रांसपोर्ट सुविधाएं जो होती है, कनेक्शन साइट सींग के पास हो और पार्किंग वगैरह। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक सही यात्रा का चयन करना। ट्रिप पैकेज प्रत्येक दोनों में प्राइस क्या शामिल होता है? सम टाइप ऑफ साइट सीइंग। दर्शनीय स्थलों की प्रवेश टिकट की व्यवस्था करनी जिम्मेदारी किसकी होती है? एस्कॉर्ट। टूर एस्कॉर्ट दर्शनीय स्थलों की प्रवेश टिकट की व्यवस्था किस प्रकार करता है? वो ग्रुप को ले जाने से पहले वहाँ जाकर टिकट खरीद लाता है। किस प्रकार के टूर में दर्शनीय स्थलों में प्रवेश टिकट पहले ही यात्रियों को दे दिया जाता है? इंडिपेंडेंट टूर एंड होस्टेड टूर।